बच्चों कक्षा 7 विषय मित्र और प्रश्नावली 2.1 इसके अपने पहले 4 क्वेश्चन इसे पहली वीडियो में कर चुके हैं। आगे का 5वां क्वेश्चन देखो, आपको क्या दे रखा है, एक आकृति दे रखी है इस प्रकार और इसमें आपसे पूछा है कि त्रिभुज ए बी ई इसका परिमाप ज्ञात करना है और आयत बी सी डी ई इसका परिमाप, दोनों का क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो पहले अपने त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई का परिमाप, परिमाप क्या होता है, जिसमें जितनी भुजाएं हैं उन सभी का योग। अब त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है तो इन तीनों का अपने को क्या करना है, योग करेंगे तो यही परिमाप है। अब एक भुजा तो क्या दे रखी है, 5/2, ये भुजा क्या दे रखी है, 2/3, ये भुजा दे रखी है 3/5। यहाँ तक आगे समझ में। इसके बाद देखो ये किसमें है, मिश्र चिन्ह में है। पहले इसको अपने सिंपल विध में चेंज करेंगे तो 5/2 इसको सिंपल विध में चेंज करेंगे, उस दिन भी बताया था इन दोनों का क्या होता है गुना, 4 × 8 = 3 / 11/4 प्लस इन दोनों का गुना 5 × 3 = 15 × 3 = 18/5। क्या तक समझ में आ गया। इसके बाद देखो ये नीचे वाली संख्याएं हैं, इनका क्या करेंगे, लेस लेंगे, क्या संख्याएं हैं, 2, 4, 5 यहाँ पे लिखे 2, 4। अब देखो नीचे वाली संख्याएं क्या है, 2, 4, 5 2, 4, 5। अब यहाँ से अपने को लेस लेना है, लेस लेने के लिए आप 2 से शुरू करोगे, 2 के पारे में भाग जाता है तो ठीक है, नहीं करता तो फिर 3 लिखोगे, पहले 2 लिखा, 2 के पारे में 2 कितने पर आते हैं, 1 पर, 2 के पारे में 4 कितने पर आते हैं, 2 पर, 5 आते नहीं, फिर 2 का भाग दे दिया 1, 1, 5 और फिर 5 का भाग देंगे 2, 1, 1, 1। अब इस साइड वाले देखो इन सभी का क्या करना होता है, गुणा, 5 × 10 10 × 20 तो इन तीनों का लेस है कितना आ गया, 20 आ गया। अब अपने क्या करेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, 20, 2 का भाग दोगे 20 में तो कितने पर जाएगा, 10 पर, और ऊपर वाले से क्या करना है, गुणा, 10 × 5, 4 के पारे में 20 कितने पर आते हैं, 5 पर, 5 × 11, 5 के पारे में 20 कितने पर आते हैं, 4 पर, 18 × 4। नीचे वाली संख्या का नीचे वाली में भाग देना होता है, फिर जो आए उसका ऊपर वाले में गुणा करना होता है। अब देखो गुणा करके सभी का योग कर दो, ये इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। देखो 10 को 5 से गुणा करोगे तो 50, 11 × 5 = 55, 18 × 4 = 72 / 20, इन सभी का योग करोगे तो देखो 5 और 2 = 7, 5 × 5 = 10 और 7 = 17/20 सेंटीमीटर, ये सभी किसमें दिए हुए थे, सेंटीमीटर में, तो इसका उत्तर भी क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद देखो आपसे दूसरा पूछ रखा है आयत बी सी डी ई का परिमाप, तो आयत क्या है, बी सी डी ई, ये आयत किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। आपको ये दे रखा है एक भुजा आयत की 2/3 × 4 सेंटीमीटर और एक दे रखी है 7/6 सेंटीमीटर लंबाई और आपको चौड़ाई दे रखी है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई, 2 × लंबाई + चौड़ाई, 2 × लंबाई कितनी है, ये मान लो और ये क्या है, चौड़ाई, लेकिन लंबाई किसमें दे रखी है, फिर वही बात मिश्र बिंद में, तो पहले क्या करोगे, मिश्र बिंद को सिंपल बिंद में चेंज करोगे और सिंपल बिंद में चेंज करने के लिए इन दोनों को गुणा और ऊपर वाले का योग, 4 × 8 = 3 / 11/4 सेंटीमीटर, 11/4 प्लस ये कितनी दे रखी है, 7/6। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखो फिर वही 4 और 6 आगे, उनका आपको लेस निकालना है, तो 4/6 2 को भाग दोगे, 2 के पारे में 2 पर, 6 कितने पर, 3 पर, 2 के पारे में 2 पर, 3 कितने पर, 1 पर, तो 3 × 6 = 12, तो इसका लेस है कितना आ गया, 12, लेस है 12, 4 के पारे में 12 कितने पर आते हैं, 3 पर, तो ऊपर 11 × 3, 6 के पारे में 12 कितने पर आते हैं, 2 पर, 2 × 7, 2 × 11 दिया है,
काट सकते हो 6 आ जाएगा और इनका योग करोगे तो आपके पास आ जाएगा 47/6 सेंटीमीटर। ये आपके पास आया है आयत का परिमाप और ये आपके पास आया है त्रिभुज का परिमाप। तो आपसे एक आकृति देके दो परिमाप पूछे थे। परिमाप क्या होता है? सभी बाह्य भुजाओं का योग होता है, लेकिन आपको मिश्र बिंद में दे रखा है तो पहले उसको क्या करोगे, सिंपल बिंद में चेंज करोगे, फिर आपको लय से निकालना आना चाहिए। लय से निकालना आता है तो आप आसानी से हल कर सकते हो। आपका ये पांचवा क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके बाद अपने देखते हैं छठा क्वेश्चन। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि एक तस्वीर है कोई, उसकी आपको चौड़ाई दे रखी है इतनी है। फिर वो कह रहा है कि उसको किसी चौखट में चढ़ना है, किसी भी फोटो फ्रेम में चढ़ना है, कहीं भी चढ़ना है, तो वो तब चढ़ी जाएगी उसमें जब उसकी चौड़ाई इतनी ही हो। तस्वीर की चौड़ाई तो इतनी है, लेकिन यदि उसको कहीं किसी जगह चढ़ना है किसी चौखट में, तो उसकी चौड़ाई इतनी होगी ना तो ही वो चढ़ी जाएगी। अब उसको चढ़ना भी कह रहा है जरूरी है, तो आपको कितनी उस तस्वीर में कांड शांड करनी पड़ेगी, कितनी तस्वीर कट जाएगी, ये कितना भाग तस्वीर का कट जाएगा ये बताना है। अब देखो ये तो है टोटल वो तस्वीर की चौड़ाई, और जड़ने के लिए जितनी चाहिए वो ये वाली है। तब क्या करना पड़ेगा, टोटल में से जितनी जड़ने के लिए चाहिए उसका क्या करेंगे, घटाव करेंगे या जोड़ करेंगे? हम जोड़ घटाव करेंगे। तो उसको कांट छांट करना है, पूरी तस्वीर जितनी है उसमें से कांट छांट करके इतनी लंबाई उसकी रह जाए तो जड़ी जाएगी। ये टोटल है, ये बाद वाली है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो वो वाला भाग आ जाएगा जिसका काट छांट किया गया है, जो तस्वीर में से हट गया। पहले उससे पहले एक बात और करनी है, ये कौन सी बिंद दे रखी है, मिश्र बिंद, और इसको कौन सी बिंद में चेंज करना है, सरल बिंद में। सरल बिंद में चेंज करने के इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा 7 × 5 = 35, 35 और 3 = 38/5 सेंटीमीटर। इसी तरह इसको चेंज करोगे, 7 × 70 = 70 और 3 = 73/10 सेंटीमीटर। अब अपने को जो तस्वीर काट फाट दी उसकी लंबाई चौड़ाई निकालनी है, तो ये वाली तो है टोटल 38/5, काटने के बाद आपके पास बची 73/10। टोटल में से वो वाली को घटा देंगे तो आपके पास वो वाला भाग आ जाएगा जिसको काट दिया। अब 5 और 10 का लेस लोगे, लेस लेना सभी को आता है, तो इसका लेस आएगा 10। 5 के पहाड़े में 10 कितने पर आते हैं, 2 पर, तो 38 × 2, 10 के पहाड़े में 10 कितने पर आते हैं, 1 पर। इसको इससे गुणा करोगे तो 2 8 = 16, 2 3 = 6 और 1 = 7, −73/10, 76 में से 73 गए तो कितना बचा, 3/10 सेंटीमीटर। इतना जो भाग था उस तस्वीर का उसको क्या किया गया, काटा गया, फिर वो तस्वीर क्या होगी, उस चौखट में चढ़ी गई। तो आपका ये छठा क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आपको, कि रितु ने कोई सेब था वो दो जने बांट के खाया है, तो रितु ने उस सेब का कितना भाग खा लिया, 3/5। एक सेब है उसका रितु ने 3/5 भाग खा लिया, तो उसका भाई है वो उसी सेब का जो शेष भाग बच गया वो खाता है। पहले खाता है रितु 3/5 का, जो बच जाता है उसको उसका भाई सोमू खाता है। सोमू ने कितना खाया ये नहीं बताया, आपसे यही पूछा है कि सोमू ने कितना भाग खाया। तो कोई भी सेब है पूरा है, एक है कोई सेब एक पूरा है, उसका भाग पूरा कितना माना जाता है, एक पूरा भाग कितना माना जाता है, एक। एक में से ऋतु ने कितना खा लिया, 3/5, एक पूरा है उसमें से 3/5 को निकालेंगे तो वो वाला भाग आ जाएगा, किसने खाया, सोमू ने। तो सोमू ने कितना भाग खाया, 1 − 3/5। यहाँ तक समझ में आया कि पूरा सेब था एक, उसमें से ऋतु ने कितना खाया, 3/5, तो एक में से 3/5 को घटाओगे तो वो वाला भाग आएगा जो सोमू ने खाया। अब घटाना कैसे है, इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे क्या मान लिया, एक, एक और 5 है तो इसका लेस भी कितना होता है, फिर 5, 1 के पहाड़े में 5 कितने पर आते हैं, 5 पर, 1 2 3 4 5 कितने पर आते हैं, 5 पर। तो ऊपर वाले एक को कितने से गुणा करोगे, 5 से, 5 के पहाड़े में 5 कितने पर आते हैं, 1 पर, 5 एकम 5,
तीन एकम तीन, पांच, पांच में से तीन के दो बटा में पांच। सोमू ने बाप खाया कितना खाया, दो बटा में पांच। रितु ने खाया तीन बटा में पांच। ये है रितु का बाप और ये वाला बाप है सोमू का। फिर वो आपसे एक प्रश्न और पूछ रहा है कि किसने ज्यादा सेब खाया, किसने ज्यादा सेब खाया। अब दोनों के नीचे देखो, दोनों के हर क्या है, समान है, दोनों के हर समान है, तो अंश जितना बड़ा होगा वही ज्यादा भाग खाएगा। अब अंश किसका बड़ा है, रितु का, तो ज्यादा सेब किसने खाया, रितु ने। अब एक बात और पूछ रहा है, ज्यादा खाया तो ठीक है लेकिन कितना ज्यादा खाया, कितना ज्यादा खाया, तो क्या करो, तीन बटा पांच में से दो बटा पांच को घटा दो तो चल जाएगा, पांच पांच आएगी तो पांच ही आएगा और तीन में से दो हो गए एक, एक बटा पांच भाग उसने क्या खाया, रितु ने ज्यादा खाया। समझ में आया, ये आपका था सातवां क्वेश्चन। इसके बाद देखो आठवां क्वेश्चन, आपको क्या दे रखा है कि माइकल है और एक है बेगम। माइकल किसी तस्वीर में रंग भरता है तो वो कितना टाइम मिलाता है, सात बटा में बारह घंटे। बेगम उसी तस्वीर में रंग भरता है तो वो टाइम लेता है तीन बटा चार घंटे। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन ज्यादा टाइम लेता है, कौन कम टाइम लेता है, कम ज्यादा लेते हैं कितना, कम ज्यादा लेते हैं। तो देखो अपने जो भी पहले क्वेश्चन किया उसमें क्या था, दो बटा में पांच और तीन बटा पांच दे रखा था, तो इसका अर्थ इनका जो हर था वो क्या था, समान था। तो अपने को आसानी से पता चल गया कि जिसका अंश बड़ा है वो ही क्या है, बड़ा है, उसी ने ज्यादा भाग खाया है। लेकिन इसमें कुछ भी समान नहीं है, यहाँ पे तो नीचे बारह है, यहाँ पे नीचे बारह नहीं है, तो यहाँ तो इसको पहले बारह बनाओ और भिन्न को बारह बनाने के लिए, अब देखो चार के पारे में बारह कितने पर आते हैं, चार के पारे में बारह कितने पर आते हैं, तीन पर, तीन पर। तो अब इस पूरे भिन्न को ऊपर नीचे क्या करेंगे, तीन से गुणा, ऊपर नीचे करना पड़ता है, भिन्न को गुणा करना पड़ता है तो ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो ऊपर से ऊपर तीन दिया है नौ और चार दी है बारह, ये भिन्न की होगी। अब देखो ये है सात बटा में बारह तो ये है नौ बटा में बारह, दोनों का हर क्या हो गया, समान हो गया। तो जिसका अंश जितना बड़ा होगा उसी ने ज्यादा टाइम लिया। अब अंश नौ बड़ा है, किसका है वो नौ, बेगम का, तो बेगम ने क्या किया है, ज्यादा टाइम लिया है उसी को बनाने के लिए, उसी पिक्चर में रंग भरने के लिए। और इसने माइकल ने क्या लिया है, कम टाइम लिया है। ये एक तरीका तो ये है जिनको सेम करके, ये ना समझ में आया, दूसरा तरीका देखो, माइकल का कितना है सात बटा में बारह और इसकी कितनी है तीन बटा में चार, चार। ये वाली देखो ठीक है, अब इनको क्या करो, फिर सा गुणा कर दो, बारह इधर चला जाएगा, चार इधर जाएगा, सात चौके अट्ठाईस, सात चौके अट्ठाईस, बारह दी है छत्तीस, ज्यादा कौन सा है छत्तीस, ये किसकी भिन्न है, तीन बटा चार किसकी है, उसने क्या लिया है, ज्यादा टाइम। कोई भी तरीका ले लो, यहाँ तो इसका हर समान कर लो, हर समान करने के लिए आपको संख्या देखनी पड़ेगी, इसके नीचे बारह है तो इसको बारह बनाए तो किससे गुणा करें, और उसी से ऊपर नीचे गुणा करना होगा, ऐसे ही नीचे गुणा कर दो, ऊपर नीचे गुणा करना होगा, नहीं तो दोनों को बराबर रख के तिरछा गुणा कर दो, जो भी आपको सही लगे वही है। ये आपकी जो प्रश्नावली है 2.1 पूरी हुई। धन्यवाद।